सो गाइस, आज का हमारा वीडियो काफी ज्यादा खतरनाक होने जा रहा है, क्योंकि कोई 15 साल का बच्चा कैसे इतना खतरनाक कांड कर सकता है। जी हाँ, देसी गेमार यानी कि अमित भाई का एक ऐसा फ्रेंड जिसने अमित भाई के साथ कुछ ऐसा कर दिया जिसके वजह से अमित भाई ने उसे अपने फ्रेंड लिस्ट से ही निकाल दिया। क्योंकि उन्हें अपने आप में बहुत ज्यादा शर्म आ रहा था, तो उन्होंने अपने ही फ्रेंड को 2-4 गाली देके वहां से भगा दिया। सबसे पहले तो आप लोग ये 3 साल वाला पुराना क्लिप देख लो, जहां पे अमित भाई लाइव में अपने सब्सक्राइबर के साथ गेम खेल रहे थे। और तब जमाना था ब्राजीलिया का, मतलब कि भाई जैसे हमारा बर्मुडा मैप में पिक को खतरनाक माना जाता है, वैसे ही पारगड़ी मैप में ब्राजीलिया को बहुत ज्यादा खतरनाक माना जाता है। तो अमित भाई अपनी पूरी स्क्वाड को लेकर ब्राजीलिया पे उतरे थे, लेकिन यहीं पे बहुत तगड़ी फाइट हो रही थी जिसमें कि अमित भाई के काफी सारे टीममेट नॉक हो गए। बट यहां पे अमित भाई ने इन बंदों को बहुत ही खतरनाक तरीके से धोया। वो एक बंदे को नॉक करके भाग ही रहे थे कि दूसरा बंदा भी आ जाता है, लेकिन इस घर पे इतने सारे बंदे थे कि अमित भाई इन बंदों को मारते मारते रह जाते हैं और ऊपर से और एक दो बंदे निकल जाते हैं। बट अमित भाई का गेम प्ले इतना खतरनाक था कि उन्होंने यहाँ पे लगातार 3 बंदों को नॉक कर दिया। बट यहाँ पे राकेश नाम का बंदा आके अमित भाई को खत्म कर देता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, फाइनली अमित भाई चल बसे। अब यहाँ पे राकेश नाम का जो बंदा है ना, ये अमित भाई का बहुत ही अच्छा फ्रेंड है। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका प्रोफाइल दिखाऊंगा, फिर उसके बाद बताऊंगा कि इस बंदे ने अमित भाई से कैसे दोस्ती की। क्योंकि यहाँ पे तो उसने अमित भाई को मारा था और उसका गेम प्ले अमित भाई से भी बहुत बेकार था, बट कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये बंदा इतना बड़ा यूट्यूबर का दोस्त बन गया। खैर, मैं आप लोगों को विस्तार से इसका पूरा स्टोरी बताऊंगा, पहले आप लोग इसका प्रोफाइल देख लो, जिसमें कि बंदा 30 दिन से ज्यादा ऑफलाइन जा चुका है। वैसे 30 दिन से ज्यादा ऑफलाइन पड़ा है क्योंकि अब ये चाह के भी गेम नहीं खेल सकता। ये सुन के आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, बट मेरे भाई ये रियलिटी है, क्योंकि आज से जब 4 साल पहले राकेश ने गेम डाउनलोड किया था तो इसको गेम खेलने में बिल्कुल मजा नहीं आता था, और इसीलिए इसने फ्री फायर को डिलीट करके पबजी लाइट को इंस्टॉल किया था। बट उसमें भी इसको मजा नहीं आया और ये एकदम आराम से अपना पढ़ाई करने लगा। तब इसको ना गेम की चिंता थी, ना गर्लफ्रेंड की चिंता थी, बस बंदा हमेशा चिल रहता था। लेकिन 10th के बाद राकेश को बहुत सारे नए नए दोस्त मिले जो पढ़ाई के साथ साथ लड़की पटाने का काम भी किया करते थे। ना जाने उन्होंने कितनों लड़की पे लाइन मारा, और उन्हीं लोगों को देख के राकेश के दिल में भी हलचल होने लगा। फिर एक दिन राकेश अपने दोस्त को कहता है कि भाई मुझे नेहा नाम की लड़की बहुत पसंद है, क्या तू मुझे उससे सेटिंग करा सकता है? तब वो दोस्त कहता है, अरे यार तेरे लिए इतना ना करूं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तब ये सुनते ही राकेश काफी ज्यादा खुश हो जाता है, फिर उस नेहा नाम की लड़की को लाइन मारने लगता है। फिर कुछ दिन लाइन मारने के बाद राकेश का दोस्त बताता है कि भाई मैंने नेहा से बात कर ली है, वो तुझे भी चाहती है। तब ये सुनते ही राकेश सीधा नेहा के पास जाता है और उसे कहता है कि नेहा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब वो लड़की थोड़ा शर्माती है और छुट्टी होने तक शर्माती रहती है, पर जैसे छुट्टी हुई तो राकेश ने सीधा जाके प्रपोज कर दिया और उसने भी मुस्कुराते हुए एक्सेप्ट कर लिया। फिर दोनों की निब्बा निब्बी वाली हरकतें होनी शुरू हुई, लेकिन बेचारा राकेश को भनक तक नहीं था कि ये लड़की मेरा एक दिन काट के जाने वाली है। जी हाँ, उस लड़की ने राकेश का जितना भी पैसा था सबके सब फका फुसला के ले लिया, और जब राकेश के पास पैसा खत्म हो गए तो वो लड़की राकेश को इग्नोर करने लगी। फिर एक दिन राकेश उसके सामने जाके कहता है कि नेहा आजकल तुम्हें क्या हुआ है, तुम तो मुझसे बात भी करना नहीं चाहती हो। और तब वो लड़की राकेश को इतनी बुरी तरीके से कहती है कि आज से तुम मेरे साथ बात भी मत करना और मेरे पास आना भी मत, साला गरीब कहीं का। फिर ये सुनते ही राकेश उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, पर उसी टाइम टीचर आ जाते हैं तो वो लड़की बच जाती है। फिर इन लोगों की जैसे ही ब्रेकअप हुई तो राकेश को अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा बुरा लगने लगा और वो दूसरी गर्लफ्रेंड ढूंढने लगा। लेकिन भैया कहां इतनी आसानी से दूसरी गर्लफ्रेंड मिलने वाली। फिर बाद में उपाय ना पाके राकेश ने फिर से फ्री फायर डाउनलोड किया और राकेश एकदम आराम से फ्री फायर खेलने लगा। तब फ्री फायर खेलते खेलते राकेश को बहुत ही ज्यादा मजा आने लगा, क्योंकि फ्री फायर में काफी ज्यादा नए नए चेंजेस हो चुके थे, तो इसको चेंजेस देख के बहुत ही मजा आया और राकेश अपने दोस्तों के साथ डेली फ्री फायर खेलने लगा। लेकिन ये बात राकेश के घर में किसी को भी पता ही नहीं था कि हमारा बेटा फ्री फायर नाम का कोई गेम खेलता है। वो लोग तो सोचते थे शायद ऐसे ही कोई वीडियो वगैरह देखता होगा, लेकिन यहाँ पे तो पूरा सीन उल्टा था। तब राकेश गेम में बहुत ज्यादा एडिक्ट होने लगा, क्योंकि एक तरफ गर्लफ्रेंड का गम तो दूसरी तरफ पढ़ाई का गम। फिर धीरे धीरे एग्जाम भी नजदीक आने लगा और सभी घर वाले राकेश को ताना मारने लगे कि अच्छे तरीके से पढ़ाई कर, ये कर, वो कर, ऐसा बोल के। लेकिन राकेश कहाँ स्कूल जाने वाला, उसने तो गेम के चक्कर में अपना पूरा पढ़ाई छोड़ दिया। फिर एक दिन राकेश के पापा राकेश के सामने आके पूछते है कि बेटा तू आजकल क्यों स्कूल नहीं जाता है? तब राकेश कहता है, अरे नहीं पापा कल से जाऊंगा। फिर कल आया और कल भी राकेश स्कूल नहीं गया। तब शाम को राकेश के पापा आके राकेश को फिर से पूछते है कि बेटा तू आज स्कूल गया? तब राकेश फिर से कहता है, कल जाऊंगा पापा। और फिर ऐसे ही करते करते कई दिन बीत गए कि राकेश को पता ही नहीं चला, और राकेश के पापा को आया बहुत ज्यादा गुस्सा है। उन्होंने राकेश को इतना मारा कि राकेश का फोन भी टूट गया और तो राकेश का हाथ का एक उंगली भी टूट गया। तब ये सब देख के राकेश को बहुत ही बुरा लगा और वो अपने पापा को ही दुश्मन जैसा सोचने लगा। फिर राकेश रात के टाइम अपने घर से किसी को बिना बताए रोते रोते एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ा एंड वहां पे पहुंचते ही राकेश सोचने लगा कि आज तो मैं किसी भी तरह प्लेन में चढ़ के यहां से भागी जाऊंगा। लेकिन ये भी कहां इतना आसान था,
कपल के एयरपोर्ट पहुंचते ही सिक्योरिटी गार्ड ने राकेश को पकड़ लिया और उसे अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाने को कहा, तो राकेश के पास कुछ भी नहीं था तो वो कहां से दिखाएगा। फिर राकेश चुपचाप वहां से चला गया एंड एयरपोर्ट में ही बैठा रहा और वहीं पे बैठते बैठते राकेश वहीं पे सो गया। फिर सुबह होते ही राकेश एक बंदा को पूछता है कि भाई यहां पे रेलवे स्टेशन कहां पे है, तब वो बंदा 3 किलोमीटर दूर बताता है। तो राकेश बिना कुछ खाए पिए स्टेशन की तरफ जाता है और वो जैसे स्टेशन पहुंचा वैसे एक ट्रेन भी आ गई जो जा रही थी राजस्थान की तरफ। तो राकेश बिना कुछ सोचे समझे उसी ट्रेन में चढ़ जाता है और थोड़ी देर बाद ट्रेन भी चलने लगती है। लेकिन राकेश के घर में पूरा हलचल मचा हुआ था और राकेश के मम्मी पापा आपस में लड़ रहे थे कि आपने हमारे बेटे को कहां भेजा, अभी उसे ढूंढ के लाओ। बट इधर राकेश भूखा प्यासा कहां पे जा रहा था उसे खुद ही पता ही नहीं था। फिर राकेश को जाते जाते भूख लगने लगता है लेकिन बेचारा कैसे खाना खाएगा क्योंकि उसके पास 1 रुपए पैसा ही नहीं था। फिर राकेश ने सोचा रात तक मैं जैसे तैसे गुजारा कर लूंगा और रात होने के बाद तो नींद आ ही जाएगा तो मैं आराम से सो जाऊंगा। लेकिन राकेश को और ज्यादा भूख लगने लगा और ज्यादा भूख लगने के कारण राकेश के पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। तब राकेश एक बंदा को कहता है कि भाई मेरे पास 1 रुपए पैसा नहीं है और मैं कहां पे जा रहा हूं मुझे खुद ही पता नहीं है, आप थोड़ा मेरा हेल्प कर सकते हो क्या। अब इतना सुनते ही वो बंदा राकेश का पूरा हेल्प करता है और राकेश को खाना वगैरह सब कुछ खिलाता है एंड राकेश के घर में भी कॉल करके कह देता है कि आपका बेटा हमारे पास है और बहुत ज्यादा सुरक्षित है। बट राकेश अपने पापा से बिल्कुल भी बात नहीं करता है, बस अपनी मम्मी को कह देता है कि मम्मी आप चिंता मत करो। लेकिन भैया तभी टीटी आके राकेश को पकड़ लेती है और अगले स्टेशन पे उतार के उसे पूछताछ करने लगती है। बट वो जो बंदा था ना जिसने राकेश का हेल्प किया था वो बहुत ही अच्छा इंसान था तो उसने सारा मैटर सॉल्व कर दिया और राकेश को अपने साथ ही लेके गया। फिर उस बंदे ने राकेश की हालत को देख के राकेश के लिए काम भी ढूंढ दिया और राकेश पर मंथ 5,000 रुपए के हिसाब से काम करने लगा। तब 1-2 महीने का सैलरी पाने के बाद राकेश ने अपने लिए एक फोन लिया और कुछ दिन बाद उसी फोन में फ्री फायर डाउनलोड करके खेलने लगा एंड फ्री फायर खेलते खेलते उसे गेम में बहुत सारे नए नए दोस्त मिले जिनके साथ गेम खेलने में राकेश को बहुत ही ज्यादा मजा आता था। फिर देखते ही देखते राकेश को गेम की लत लग गई जो पहले भी लगी थी एंड इस बार तो बहुत ज्यादा ही लत लग गई जिसके वजह से राकेश सुबह 4 बजे उठ के अपना काम कर लेता था और दिन भर गेम खेलता था। फिर एक दिन ऐसा आया जिस दिन देसी गेमर यानी कि हमारे अमित भाई राकेश के गेम में आए और वो क्लिप मैंने आप लोगों को पहले ही दिखा दिया। तो उसमें राकेश ने अमित भाई को जैसे ही मारा तो राकेश के दोस्त कहने लगे कि अरे ये तो देसी गेमर है। तब ये सुनते ही राकेश सीधा यूट्यूब में जाके देसी गेमर सर्च करके देखने लगा तो सचमुच के वो अमित भाई निकले एंड सबसे पहले तो राकेश ने अमित भाई को सब्सक्राइब किया एंड फिर पूरा चैट में स्पैम करने लगा कि मैंने आपको अभी अभी मारा मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, मतलब अपना UID वगैरह देने लगा। और तब अमित भाई ने जैसे राकेश का UID देखा तो उन्होंने राकेश को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया एंड दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए। फिर एक दिन ऐसा आया जिस दिन अमित भाई ने राकेश को अनफ्रेंड कर दिया। मतलब ये ज्यादा दिन की बात नहीं है, जब हमारा क्लास स्क्वाड मैच आया तब की बात है। और तब हुआ ये था कि अमित भाई को देख के राकेश ने भी अपना एक यूट्यूब चैनल खोल लिया और कॉन्टेंट बनाने के लिए अमित भाई से रिक्वेस्ट करने लगा कि अमित भाई मेरे साथ 1v1 कस्टम करो ना। तो अमित भाई ने कहा था कि दोनों का बराबर स्कोर होना चाहिए तभी तो यूट्यूब में डालना, वरना यहाँ पे मैं अगर हार जाऊंगा तो तू मत डालना। तब ये सुन के राकेश भी मान गया और दोनों ने 1v1 कस्टम किया। तब राकेश ने अमित भाई को इतना मारा कि उनको मतलब 7-0 में हरा दिया और उसने यूट्यूब में वो वीडियो अपलोड कर दिया। फिर ये देखते ही अमित भाई राकेश के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए और उसको 2-4 गाली देके अनफ्रेंड कर दिए। तब राकेश को इतना बुरा तो नहीं लगा क्योंकि उसने ज्यादा व्यूज पाने के चक्कर में जानबूझ के ऐसा किया था, लेकिन यहाँ पर सारा सीन उल्टा हो गया। फिर धीरे धीरे राकेश का जो हाथ पहले टूटा था, मतलब के हाथ का उंगली जो टूटा था ना, उसमें इन्फेक्शन होने लगा और जिस उंगली से राकेश फ्री फायर खेलता था उसी उंगली में उसका इन्फेक्शन हो गया। तो अब वो चाह के भी फ्री फायर नहीं खेल पाता है, उससे फ्री फायर खेलने का तो बहुत ज्यादा मन करता है लेकिन बेचारा अब वो खेल नहीं पाता है। तो ये था राकेश का पूरा स्टोरी एंड आप लोग दुआ करना कि राकेश का उंगली जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। बाकी अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो। सो मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे, आज के लिए इतना रहा, बाय।